बिग स्टोरी फॉलोअप को स्वागत करुच्छी मुनलिनी। बिग स्टोरी फॉलोअप रे आज दुईट प्रसंग रही है। से प्रसंग उपर आलोचना करिबा तर्जमा करिबा। प्रथम प्रसंग दुखद खबर, वैदेशिक पूर्वतन वैदेशिक मंत्री सुषमा स्वराज वियोग घटी परलोक होती किंतु शेष दर्शन करने अनेक वरिष्ठ नेता सहित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंची सारी मर शरीर को बातर पार्थिव शरीर को वर्तमान कार्यालय नि तार अपडेट आम सीधासल आपरे पहुंचेबू। द्वितीय प्रसंग रही बढ़ुची विपद, सारा राज्य में लगाण वर्षा जारी रही स्थान में बन्या परिस्थिति सृष्टि किंतु ये प्रश्न आसवा स्वाभाविक कथा जे आषाढ़ मस वर्षा होगा कथा किंतु श्रावण शेष सप्ताह बेलू वर्षा होती कहीं एभली एक बड़ परिवर्तन सामना को आसुची ए दिगकु नहीं आलोचना करवा आज बिग स्टोरी फॉलोअप। बिग स्टोरी फॉलोअप प्रथम प्रसंग को आसवा प्रथम प्रसंग जहाँकि सारा देश को स्तब्ध कर स्मृति में वर्तमान सुषमा सुषमा स्वराज परलोक घटी जो खबर सामना को आसवा पर सारा देश स्तब्ध हो पड़ी एवं सारा देश में गोटे प्रकार शोकर छाया खेली जाइए। मानविकतार से थिले पूजारिणी सुषमा स्वराज जे कि सबुबले किभली भाव में लोक साइपर से दिगरे सबुबले तत्परता देखा आसुले सबुठ बड़ कथा होने भी जो स्थान में फसी रोते जितेबाला ट्विटर मध्यम साहयोग लोड़ूते से तुरंत से स्थान में पहुंची जाते सहयोग करते से थिले मानविकतार पूजारिणी अजस्विनी एवं अग्निवर्षी राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी परे जड़े बाग्मी राजनेता जदि क्या कहुए सी होती सुषमा स्वराज एवं अजस्विनी अग्निवर्षी राजनेता जोभली भाव में संसद में वक्तव्य रही है से स्पष्ट जमापड़े जे से जड़े किभली भाव अजस्विनी राजनेता डिजिटल कूटनीति चेहरा बा डिजिटल कूटनीतिर चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुबले कही आसंती कारण ट्विटर से सबुबले सक्रिय थांती एवं ट्विटर माध्यम ही से अनेकों समस्या समाधान करती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एभली आख्या दे था सबुठ बड़ कथा होते से आरपारी अच्छा शेष दर्शन करने समस्त मान्यगण्य व्यक्ति सेठे पहुँचुंट किंतु ए सबु भितर बीजेपी पार्टी ऑफिस रा अपन चित्र देखुं पार्थिव शरीर बीजेपी पार्टी ऑफिस रे पहुंची सारी शेष दर्शन करने श्रद्धांजलि जनवाई अनेक वरिष्ठ नेता तुंग नेता सेठे पहुंचुं किसी समय तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गृहमंत्री अमित शाह पहुंची बासभवन में शेष दर्शन करते पार्थिव शरीर को पार्टी ऑफिस को अणा जाइए। पार्टी ऑफिस रे पाखापाखी तीन घंटा रखा सूचना सामना को आसुच्छे परे जो पार्थिव शरीर को से स्थानरु नियाजिबो लोधी रोड स्थित शवदा गृह शेषकृत्य संपन्न करा किंतु ये सबु भितरे अनेक चित्र देखा मिलता जहाँ को नहीं राजनेता हेबार बाग्मी राजनेता हेबार परिचय देउथिला कारण जेभली भावरे विरोधी माने तांकु प्रशंसा करुथिले राजनीति को प्रशंसा करुथिले सेइथरु ही जनापड़े जे तांकर व्यक्तित्व किभली भावरे बलिष्ठ रहितला कारण जेतेबेले राजनीति कथा आसे जेतेबेले चर्चा सामना को आसे सेतेबेले विरोधी माने विरोध करंती किंतु जेतेबेले व्यक्तित्व कथा आसे जेतेबेले बलिष्ठ व्यक्तित्व कथा आसे सेतेबेले राजनीतिरु सबु किछि ऊर्ध्वरे रहिथाय अर्थात व्यक्तित्व राजनीति ऊर्धरे रही है। सबुठ बड़ कथा होची देशर वरिष्ठ राजनेता तथा पूर्वतन वैदेशिक मंत्री सुषमा स्वराज 67 वयस परलोक होती किंतु जिते बड़े मानविकतार पूजारिणी कह जाए से अनेक कथा सामना को आसे कूटनैतिक व्यापार में प्रजुक्ति को किभली भाव में व्यवहार कराए ता खूब भल भाव जनाथिला और सोशल मीडिया रे बा सोशल मीडिया जरिया से लोकों सहित खूब निकटतर होते खासकर डिजिटल कूटनीति जो कथा बारंबार दोहराऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुबले कहते डिजिटल कूटनीति कहीं ट्विटर माध्यम से अनेक समस्यार समाधान करती 2017 पाकिस्तानी सिरिन सिराज को से एक वर्षर लंबा मेडिकल विसा मंजूर करते जहाँ से सारा देश में सारा विश्व में लोकप्रियता हासिल करते से ही काम पर शुभेच्छा जनाई शुभेच्छु सहित निंदुक माने प्रशंसा करते से ही वर्ष से अन्य दुईज पाकिस्तानी
मेडिकल भिसा प्रदान करते कि 2015 कथा जदि आम आलोचना करवा तेज येमेन रणे महिला से साय करते एक बद अंचल से निजर 8 मसर पिला फसी जाते सेठार उधार करने से सुषमा निकट में गुहारि करते सुषमा देश विदेश उधार करने देश विदेश से प्रशंसित होते ईरान बास्रा ठारे फसी रही 168 जन भारतीय को से उधार करते उधार कर ट्विटर में से अंतर्जातिक स्तर में ख्याति लाभ करते कि सबू भितर पार्थिव शरीर पार्टी अफिस पहुंची सारी शेष दर्शन करने समस्ते आसी पहुँचुं एकाधार जड़े किभली भाव में राजनेता रही एकाधार बलिष्ठ व्यक्तित्वर से अधिकारी समस्त पाखे से बेस प्रशंसनीय थे सबू भितर वर्तमान किभली भाव में हलचल रही दिल्ली में से संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित सीधासल जोड़ आम प्रतिनिधि शबनम आदेनी शबनम बर्तमान कौन ताजा चित्र देखुं कहीं आम पाखे जहाँ विजुआल आसी पहुँचुची पार्टी अफिस पार्थिव शरीर पहुंची सारी अनेक वरिष्ठ नेता तुंग नेता शेष दर्शन व श्रद्धाजलि जनवाई से पहुंचुं निश्चित भाव में देखते आप जिते सब कथ कहे व्यक्तित्व को एडजेक्टिव कम पड़ो जदि चेषा करी गोटे सिंपल गोटे भाषा गोटे लैंग्वेज पड़ो जदि चेषा करी गोटे सिंपल गोटे भाषा गोटे लैंग्वेज मुझ कह गोटे वर्ड में डिस्क्राइब करवा बहुत कष्ट कि कहि से जड़े डायनामिक लेडी थे समस्त मन पकईबे समस्ते जो भाई भाव से निजर छाप छाड़ी जाटा निश्चित भाव इतिहास अविस्मरणीय एवं वर्तमान आम पार्टी ऑफिस बाहर अच्छे आपड़ विजुअल देखी पार्थे नलिनी जे बीजेपी पार्टी ऑफिस बाहर दीनदयाल दयाल उपाध्याय मार्ग जो पार्टी ऑफिस अच्छे मुख्य कार्यालय तार बाहर किभली भाव लोक मानकर भिड़ जमी अंतिम दर्शन करने पार्टी ऑफिस जो मेन हॉल रही मल्टीपर्पज हॉल से भितर शरीर को बर्तमान रखा जाए दुईट मध्यम दर्शन कर गोटे वीआईपी एरिया रही जो जो गेट देक वीआईपी मैंने एंट्री कर लाइन बर्तमान देखुंती हूँ बीजेपी कार्यकर्ता मान लाइन जो माने बहुत दूर दूरांतर आसी अंतिम दर्शन पाई कई जदि देखा भी करना टीवी देखी एठार आसी पहुँची आम कि कार्यकर्ता सहित कथापी चेष्टा करवा किस तरह से आप याद करते हैं पहले तो जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए जी मैं छतरपुर से आया हूँ और सुषमा स्वराज के वाणी व्यवहार कर्म उनकी संस्कृति को अगर हम देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक माँ चली गई हो और वो चली नहीं गई हैं वो हमारे याद में हमारे सामने हमारे व्यवहार में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी और उनको मतलब अगर हम शब्दों में नहीं कुछ उनका वो कर सकते हैं भैया। सर आप कहाँ से आए? छतरपुर से। क्या कहेंगे किस तरह से आप उन्हें याद करते हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई थी, क्या ऐसी बात उनकी आप याद करते हैं? मैडम एक उनका कार्यक्रम था जिन्होंने संस्कृत के ऊपर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, उसमें मैं भी था और उन्होंने इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह गए जिसके लिए मैं मुझे लगता है कि पता नहीं दोबारा मैं सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपन देखी पार्थे जे ये ही अनुभूत हो लोक मानकू जो गोटे माँ को वियोग घटी और घर पर ही कह लोकर वियोग घरे समस्ते आज एठार एकत्रित होती भाव विहू अश्लूल श्रद्धाजलि दूसरी सर आप कहाँ से आए? मैं झारखंड से आए। इतनी दूर से आप यहाँ पे आके पहुँचे हैं, सुषमा जी की कौन सी ऐसी बात आपको याद आती है, किस तरह से आज उनका जो अकाल निधन हो गया आप उसको देखें? सुषमा जी इस पार्टी के और इस देश की हर एक नागरिक के रूह से जुड़ी हुई थी, हमारी आत्मा से जुड़ी हुई थी। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हमारे आत्मा में बसती हैं, हमारे रूह में बसती हैं। सुषमा जी एक पार्टी के संस्थापक के तौर पर, पार्टी की नेता के तौर पर, मंत्री के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर जिस तरह से हर काम जो उन्हें दिया गया, हर जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई उसे जिस तरह से उसका पालन उन्होंने किया वो एक संसदीय मर्यादा की बात है और सुषमा जी को बुला पाना शायद सबके लिए बहुत मुश्किल है। मैडम आप कहाँ से आई? मैं दिल्ली प्रदेश की सोशल मीडिया प्रभारी हूँ बीजेपी में और सुषमा स्वराज जी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि वो एक बहुत महान लीडर थी, उनको जो भी पद दिया गया उन्होंने बहुत अच्छे से उसको निभाया और देश के लिए उन्होंने बचपन से लेके और अब लास्ट टाइम तक उन्होंने देश के को समर्पित किया अपना जीवन। मैं बस यही बोलना चाहूँगी। जी सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस तरह से उनका जिस वक्त में ऐतिहासिक दिन था और उस वक्त में जिस तरह से सुषमा जी हम सबको यहाँ पे छोड़ के चले? देखिए उन्होंने जो अंतिम ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये लिखा कि यह दिन देखने की ही मैं प्रतीक्षा कर रही थी, अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ वो कह गई है कि ये इतिहास के शब्द बन गए हैं।
वो विदिशा से चुनाव लड़ी और मैं भी विदिशा से चुनाव लड़ चुका हूँ। मध्य प्रदेश को उन्होंने इस दृष्टि से चुना था और मध्य प्रदेश की जनता में उन्होंने जो स्थान बनाया था वो शायद वहाँ के लोकल मध्य प्रदेश के रहने वाले कोई नेता भी ऐसा स्थान जनता के दिलों में नहीं बना पाए थे। जरूर उन्होंने जनता के दिलों में एक गोटे नुआ छाप छाड़ी जाइंट से लोकों मनर एवं देखी पार्थे कि भाव भाव विवल भाव ये लोक मैंने अपेक्षा कर लाइन को से जब भितर को भाव विवल श्रद्धाजलि जी देते साढ़े दुईटा बेले मरशरील को बीजेपी पार्टी अफिश्रु निजी और लोधी रोड्रे क्रिमेशन ग्राउंड्रे जो शेष शेष कार्य रही समापन कर नलिनी विजुअल देखा चाहिए कि भाव लोक मैंने लाइन में ठिया होती पेसेंसली ठिया होती निज टर्न एवं निजर जो प्रिय नेत्री को निज दीदी को निज माँ को निज पर जड़े व्यक्ति को सेने आज हर यो दिन से रही अति सकाकूल दिन रही निश्चित भाव समस्ते सत बीते से मुहूर्त को मन पकाउं कारण साधारण लोक निजर बहुत क्लोजली पाती एवं जितेबले भी से आसती से बहुत सम्मान सहित से कथा शुणी एवं से कथार समाधान करती नलिनी बहुत बहुत धन्यवाद शबनम आपंकर समस्त सूचनापी रतलाम प्रतिनिधि शबनम आदेनी जी के प्रसंगे अधिक सूचना दूसरे जे वर्तमान पार्थिव शरीर पार्टी अफिस रही सेठे जो पार्टी अफिस कार्यकर्ता मैंने रही शेष दर्शन करेंगे तापर पर पार्थिव शरीर को लोधी रोड स्थित शवदाह गृह को नियाजार ही शेषकृत संपन्न होतु ए सब भितर अनेक चित्र एभली सामना को आसूरी जहाँक नहीं अनेक चर्चा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कथ कहतु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कथा कहतु गृहमंत्री अमित शाह कथा कहतु समस्ते बेस भावविहल हो पड़ती कारण जितेबले जड़े बाग्मी राजनेता निधन घटुची सेतेबले एभली एक प्रतिक्रिया सामना को आसुची कारण से जड़े केवल जे राजनेता थिले ता नुहे किभली भावरे लोकंकर निकटतर हो पारे से सब बेले प्रचेष्टा करुथिले एवं सबुठ बड़ कथा होची संसद रे तांकर जेभली भावरे वक्तव्य रहुथिला तथ्य आधार से सब बेले वक्तव्य कहुथिले तथ्य आधार से सब किछि प्रस्ताव रखुथिले एवं तथ्य आधार किभली भावरे ए प्रस्ताव रो समाधान करा जाई परिबो ता उपरे गुरुत्व रखुथिले एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का समय रे मध्य से एभली एक राजनेता रहिथिले जेतेबले विरोधी चेयर से बसी थे मनमोहन सिंह जिते सारी अंदाज रे सहित आलोचना करते ठीक से ही समय सुषमा स्वराज से सायरी अंदाज रे उत्तर रखुते से समय ही जना पड़े जे से केते बड़ बाग्मी राजनेता थिले व्यक्तित्व किभली भावरे बलिष्ठ रहिथिला एवं अनेक क्षेत्र रे प्रथम अवदान रही आसी दिल्लीर प्रथम महिला मुख्यमंत्री भावरे बीजेपी प्रथम महिला मुख्यमंत्री एक जातीय दलर प्रथम महिला प्रवक्ता कथा कहतु प्रथम पूर्णकालीन महिला वैदेशिक मंत्री कथा कहतु बा लोकसभा प्रथम महिला विरोधी दल नेत्री हिसाब से कहतु अनेक क्षेत्र में कार्यदक्षता संपादन एवं जेतेबले बीजेपी जड़े बाग्मी राजनेता को हराई सेतेबले निहाती भाव में दल पर एक क्षति होई किंतु अपरपक्षे राजनीति दृष्टिकोण जदि यह देखा तबे राजनीति क्षेत्र में सुषमा स्वराज एक शून्य स्थान सृष्टि करिसेंती।